नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मैं कुछ तीन बुक लेके आया हूँ जिनके बारे में मैं आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी देना चाहता हूँ। इसके लिए पांच छह क्वेश्चन आपके बनते हैं जिनको मैं इस वीडियो में कंप्लीटली बता दूंगा। पहले तो इस ये जो बुक है भारतीय दर्शन, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है, कितने की आती है, कौन सा एडिशन है, कौन सा कितना प्राइस इसका रहता है और कहाँ से हम इसको खरीदें। उसके बाद मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद ये तीसरी जो बुक है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसकी कुल ये समझ लीजिए कि तीन वीडियो बनेंगी। एक वीडियो को मैं आपके लिए बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता। आपको जो भी बुक पसंद हो उस बुक से संबंधित जो वीडियो है आप उसको अलग से देखिए ताकि आपके लिए वो छोटी रहे। सबसे पहले हम इस बुक के बारे में बात करेंगे। इनको मैं साइड में कर देता हूँ। अगली वीडियो इनके बारे में रहेगी या इसके बारे में या इसके में, कोई भी एक आप कह सकते हैं या मैं अपने तरफ से चूज कर सकता हूँ, जैसा भी ठीक लगे। पहले इसके बारे में हम बताएंगे, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन की रूपरेखा। इसका पहला सवाल ये आता है कि यह किस विषय से संबंधित है, राइटर कौन है। विषय दर्शन है, फिलोसफी। यूपीएससी पीसीएस के बच्चे इसको अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि दर्शन विषय जिसका ऑप्शनल है वो अक्सर इसको पढ़ते ही है, और जिसका नहीं भी है ऑप्शनल उसको भारतीय दर्शन की ये जो बुक है ये जरूर पढ़नी चाहिए। राइटर है इसके हरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी। दूसरा सवाल ये आता है कि एडिशन इसका कौन सा है। इसका जो एडिशन है वो लेटेस्ट एडिशन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटरनेट पर या यूट्यूब पर आपको अभी तक ये नहीं मिला होगा, 2023 एडिशन है। इसको कहाँ से खरीदना है वो भी मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। दूसरा तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा है वो है कि इसमें पेजेस कितने हैं। इसमें पेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पेजेस हैं, टोटल पेजेस वो जो हैं वो 355 हैं, देख लीजिएगा 355। इसमें पढ़ने आपको पड़ेंगे, मूल रूप से आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये है 333, 333 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ विषय प्रवेश में जो है अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए जो इस बुक की एक खासियत है, क्योंकि इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए या अन्य कोई एग्जाम है जो दर्शन से संबंधित है उनके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कंटेंट और विषय सूची क्या है। इसके बारे में पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि मोटी कितनी है। मोटाई इसकी ये है, आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कितनी है। इसको कुछ पढ़ा है मैंने, 3-4 दिन हो गए मुझे इसको पढ़ते हुए, तो इसकी मोटाई मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद इसकी विषय सूची के बारे में मैं बता देता हूँ। विषय सूची पंचम संस्करण के बाद इसको यहाँ अपडेट नहीं किया गया, हालांकि ये 14वां मुद्रण है। इसकी विषय सूची में पहला अध्याय, दूसरा, और इस तरह से कुल इसमें इसमें अध्याय 12, 15, 16, और इसमें 16 अध्याय हैं। 16 अध्याय के बाद अभ्यास के लिए प्रश्न है, उसके बाद सहायक ग्रंथों की सूची इसमें दी गई जो 355 पेजेस थे। इसको समाप्त करते हैं। ये जो इसकी विषय वस्तु है या जो विषय सूची है इसके बारे में पिक्चर्स में इस वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा, या फिर आपको इसकी पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये रही इस वीडियो के बारे में, इस बुक के बारे में जानकारी। और इसके बाद प्रश्न ये आता है कि प्राइस कितना है इसका, आपने देख ही लिया होगा प्राइस, आई थिंक। हाँ ये रहा प्राइस इसका, 325 रुपये है। कहाँ से खरीदें, अब ये बात आती है, नया प्रश्न आता है कि कहाँ से खरीदें। पहली बात तो इसको कहाँ से खरीदना है। इसको खरीदने के लिए एक इनकी साइट है जो पब्लिशर है। आपको जो भी नया एडिशन अगर चाहिए तो इनकी जो पब्लिशर की साइट है उसी से खरीदिएगा। बाहर से बहुत ही कम चांस रहते हैं कि आपको नया एडिशन इसका मिले। इनकी साइट है mlbd.in, इस पर जाइए खरीदिए। हालांकि इस साइट पर आपको इसका प्राइस जो है वो 325 पर ही मिलेगी। मैंने तीनों भी बुक जो है, ये जो तीनों बुक हैं एक साथ खरीदी थी, और इस तरह से इसका प्राइस भी 325 है और इनका भी उतना ही प्राइस इसका लगा था जितना इनका MRP रहा है। तो इसके बारे में आई थिंक ये वीडियो काफी रही होगी। इसको आपको खरीदना है तो mlbd.in से खरीदिए, या Amazon से खरीदिए, या Flipkart से खरीदे,
लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा है कि इनका जो लेटेस्ट एडिशन ये है। हालांकि मैं ये कह देना चाहता हूँ कि दर्शन की बुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नए एडिशन में नहीं होते हैं, इसलिए पुराने एडिशन भी आपके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन एक अगर आपके अंतर्मन में ये भावना आती है कि नहीं, हम तो नया एडिशन ही पढ़ेंगे, तो नए एडिशन के लिए इनकी जो साइट है MLBT, उस पर जाइए। MLBT का पूरा नाम है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशिंग हाउस। उस पर जाइए और खरीदिए, ठीक है। 325 में ही टोटल अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपको ये सस्ते रेट में मिल जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो वहाँ डिस्काउंट रेट चलते हैं, दूसरा वहाँ जो है वो एक तो पब्लिशर की साइट पर पूरे रेट पे आपको मिलेगी, उस रेट से डिस्काउंट आपको भले ही पब्लिशर उसको सेंड कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो ठीक रेट में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर लेटेस्ट एडिशन, वही बात है कि लेटेस्ट एडिशन आपको चाहिए तो पब्लिशर की साइट से आपको इसको खरीदना ही होगा, ठीक है। डिलीवरी के चार्जेज जैसे के अंदर इंक्लूडेड थे जब मैंने इसको खरीदा है, तो ये थी कुछ जानकारियाँ। हाँ, एक और जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक पेपर बैक एडिशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेपर की तरह पेपर बैक ही एडिशन है। और अगर आपको हार्ड कवर एडिशन इसका चाहिए, हार्ड कवर एडिशन के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे उनको चुकाने होंगे। वो इसके जैसा रेट इसका 325 रुपये है, इससे ज़्यादा ये समझ लीजिए कि 325 में 100 रुपये और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे या 200 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप खरीद सकते हैं। इसलिए इस तरह से हम इस वीडियो को अब पूर्ण करते हैं। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को आगे समय के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और डिसलाइक आप चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।